हापुड़ के वार्डों की स्थिति क्या है और सभासद ने कितना विकास किया है, इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए ई हापुड़ न्यूज की टीम मंगलवार को हापुड़ के वार्ड नंबर 28 में पहुंची, जहां मोहल्ला भंडापट्टी कोटला मेवतियान आंशिक में सभासद बाबू सलमान से बात की, जिन्होंने बताया कि क्षेत्र में उन्होंने कितना विकास किया है। विकास अल्हम्दुलिल्लाह काफी विकास हुआ है। सिकंदर गेट से लेकर मरकज मस्जिद तक सबसे पहले ये सड़क निर्माण का कार्य शुरू हुआ था। उसके बाद में पत्थर वाले कुएं पर दो एक सड़क बनी थी। उसके बाद में भंडापट्टी में भी सड़क बनी थी। भंडापट्टी में हाजी खालिद साहब के मकान से लेकर और चाचा सज्जाना उनके मकान तक सड़क बनी थी। एक हमारे जावेद भाई मोबाइल वाले हैं, उनकी गली बनी थी। उसके बाद में पानी की समस्या थी वार्ड में, तो वो ट्वेल लगी है, अल्हम्दुलिल्लाह वो शुरू हो गई है और पानी की जो समस्या है ना इंशाल्लाह वो भी दूर हो जाएगी। अब वो ट्वेल शुरू हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। एक सड़क रह गई है मेरे वार्ड में, छोटा सा टुकड़ा है, सड़क तो बनी हुई है लेकिन वो पानी भर जाता है। हाजी अशरफ साहब है हमारे चाचा, उनके मकान के यहाँ पर पानी से भर जाता है, तो इंशाल्लाह वो सड़क का भी जल्दी कार्य शुरू होगा, बाकी इंशाल्लाह सब सही ठीक है वार्ड में। सभासद का कहना है कि उन्होंने भंडापट्टी समेत विभिन्न इलाकों में सड़कों का निर्माण करवाया है, जो हिस्सा रह गया है वहां जल्द ही निर्माण कराया जाएगा। वहीं क्षेत्र की जनता ने सभासद द्वारा किए गए विकास कार्यों को लेकर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। हमारे मोहल्ले में लगभग सारे विकास हो चुके हैं और मेरी गली तो सलमान भाई ने लगभग दो बार बनवा दी है और स्ट्रीट लाइट भी और सफाई का नाली का बहुत अच्छा साफ सुथरा रहता है। जैसे सलमान भाई आए तो नो डाउट कहने की कोई जरूरत ही नहीं है, और हम तो कह के भी शर्मिंदा होते हैं, कोई काम अगर छोटा मोटा रह जाता तो शर्मिंदा होता हूँ, क्योंकि वो इतना काम अपने आप से देख लेते हैं। भाई जी सलमान भाई ने इतना काम करा है, हर आदमी के दिल में, हर कैंडिडेट के उसमें दिल में ये बसते हैं, तो हम तो नो डाउट यही देखना चाहते हैं दोबारा कि सलमान भी आए। और अपने बाबू सलमान ने कोविड टाइम में भी काफी हेल्प करी लोगों की, जो भी आटा दाल से जो भी जरूरी समस्या, पानी वानी सफाता थे, नाली वाली सफाई से रखते हैं, थोड़ा बहुत भरता है जब ज्यादा बारिश होती है, बाकी निकासी करवाते हैं। देखो विकास तो यहाँ काफी हुए हैं, विकास में कमी नहीं रही है। जो हमारे यहाँ के सभासद हैं पूरा ध्यान देते हैं, जैसे कोविड आया था उन्होंने किट भी बांटी है, फिर दोबारा गए पूछा समस्या पूछी। जैसे मान लो यहाँ पे बाल्टी नहीं थी, कूड़े की बाल्टी पटवाई है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दिया गया है हमारे कोशिश से विकास पे ध्यान। हर जगह थोड़ी बहुत समस्या रहती है, ज्यादा बारिश भर जाती है तो नॉर्मल तरीके से पानी निकल जाता है। सब कुछ बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, सड़कें बनी हुई है, सब बढ़िया है। हमारे मोहल्ले में सड़कें भी बनी है, पानी की समस्या भी हुई है और सफाई भी अच्छी रहती है। हाँ पानी की सुविधा हुई है। आवारा बंदर और कुत्तों का आतंक है नहीं है जी? आवारा बंदर और कुत्ते कुत्ते भी हैं, बंदर भी हैं। हाँ कुत्ते, बारिश के दिनों पानी भरता है? नहीं भरता, नहीं पानी नहीं भरता। हमारे मोहल्ले में तो जो वार्ड की समस्या आती है सफाई की, पानी की, वो सब हमारे मेंबर साहब ने बिल्कुल सही तरीके से काम करके ऐसा काम किया है। पानी के लिए तो ऐसा काम किया है कि जो शायद किसी और वार्ड में अभी ना हुआ हो। और सफाई के मामले में भी हमारे मेंबर साहब की तरफ से इतनी सफाई हुई है, और जो चौपाल वगैरह का थोड़ा सफाई का, उसका मोहल्ले का पानी का लाइट का जो भी इंतजाम था वो उन्होंने अपनी तरफ से पूरी मेहनत के साथ पूरी काम सही तरीके से काम किया। सफाई बहुत अच्छे अंदाज में होती है, जब भी हम बाबू सलमान भाई को बोलते हैं तो सफाई के लिए वो हमेशा तैयार रहते हैं, किसी भी काम के लिए, एक्सपेजेट कोई भी काम है, उनको रात में भी अगर उनको हम कॉल कर दें कोई मसला है तो हमेशा तैयार रहते हैं। बारिश के दिनों में आपके मोहल्ले पानी भरता है? नहीं भरता, नहीं पानी नॉर्मली हर जगह पानी भरता है, लेकिन बारिश होने के बाद में पानी खत्म हो जाता है। और समस्या सही है बाबू सलमान ने, और साफ सफाई बारिश से बहुत है। आज तो बहुत हो गया भाई साहब, यहाँ की सड़कें देखो कैसी हैं, आज बेहतरीन बन गई। पहले वो सड़कें थी रोजाना गड्ढे, दुनिया भर का पानी भरता था, अब माशाल्लाह बढ़िया पानी भी अच्छा है, बहुत बढ़िया आ रहा है पानी, दोनों टाइम आता है, समझ से भी लग गया बड़ा वाला। ई हापुड़ न्यूज की टीम हापुड़ के विभिन्न वार्डो में जाकर सभासद द्वारा किए गए विकास कार्यों के बारे में सवाल पूछ रही है। जल्द ही टीम आपके क्षेत्र में पहुंचेगी और इन सवालों के जवाब तलाशेगी।